देख सकते हैं ये यहाँ पे योगा का साफ साफ जिक्र आया है और यहाँ पे योगा को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम स्वामी महेश्वरानंद महाराज जी का है। हम इस आश्रम में अंदर जाते हैं। इस आश्रम में देखिए सारी इंफॉर्मेशन घुसने के साथ ही दी गई है। स्वामी महेश्वरानंद भारत के एक बहुत ही प्रमुख गुरु हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में योग का परचम लहराया है। यहाँ पे उनसे जुड़ा पूरा साहित्य रखा हुआ है और यहाँ पे सारी जानकारियां, यहाँ जर्मन भाषा चूंकि ऑस्ट्रिया में बोली जाती है। अब आइए हम आपको इस आश्रम के अंदर ले चलते हैं। आश्रम का रिसेप्शन है, रिसेप्शन एरिया है जहाँ आप हर कोई आके यहाँ अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराता है। स्वामी महेश्वरानंद महाराज जी अभी अभी दिल्ली से यहाँ आए हैं और ये वो सत्संग का हॉल है जहाँ वो बैठे हैं, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हर दिन शाम को यहाँ इसी तरह योगा की क्लासेस लगती हैं और शाम को भजन के साथ साथ योगा की क्लास होती है, क्योंकि स्वामी महेश्वरानंद जी का जो योगा है वो बहुत फेमस है। एक बहुत खास चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे स्वामी महेश्वरानंद जी भारत में इस वजह से जाने जाते हैं क्योंकि राजस्थान में उन्होंने एक ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया है। ये आप देख सकते हैं, ये उस मंदिर के का डिज़ाइन है। दिन में थोड़ी रोशनी कम है। इस आश्रम में समय समय पर संतों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वामी जी की युवावस्था की फोटोज हैं। स्वामी जी विदेशों में योग को ले जाने के लिए जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं सारे विदेशी ही लोग यहाँ पे योगा सीख रहे हैं। ये स्वामी जी चूँकि अभी दिल्ली से यहाँ पे आए हैं तो उनको उनके दर्शन के लिए ये देखिए लोग प्रसाद लेकर और कतारों में लगकर, और जो एक हिंदू धर्म गुरु के प्रति आस्था का जो भाव होता है। आप देख सकते हैं स्वामी जी बैठे हुए, उनके साथ एक छोटा सा बालक भी बैठा हुआ। स्वामी जी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे उन्हें गुलाब देते हैं, लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। ये स्वामी जी के गुरु हैं, दादा गुरु हैं, उन सबकी यहाँ स्थापना है। आप देख सकते हैं कार्यक्रम यहाँ पे जारी है। बहुत सारे देशों से लोग योगा सीखने यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं सारे विदेशी मूल के लोग जिनके बीच में योगा को लोकप्रिय करने में स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी दिल्ली से आए हैं और आते ही हम देख रहे हैं कि आश्रम में इतनी गतिविधि है, तो ये क्या है थोड़ा हमें बताइए इस आश्रम के बारे में। ये आश्रम जो है ये सत्य सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और योग, जो वास्तव में योग जो किया जाता है, और यहाँ जो हमारे योग का अभ्यास करते हैं तो 5 साल का डिप्लोमा लेने के बाद जी इसको किया जाता है जी। आप देख रहे हैं सभी आध्यात्मिक साधक है जो की क्रिया योग भी करा रहे हैं, साधना सत्संग भवन आदि। महाराज जी आपने योग को पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय किया है, अगर हम गलत न कहें तो स्वामी परमहंस योगानंद की एक परंपरा जो योग को बाहर ले गए, स्वामी राम योग को बाहर ले गए, आपका उन संतों में नाम आता है जो संत को पूरी जो योग को पूरी दुनिया में ले जा रहे हैं, तो आपके क्या अनुभव रहे हैं इस यात्रा के? आपने इस आश्रम को 12 साल पहले खोला, वियना में आप 70-74 से काम कर रहे हैं, तो ये अनुभव यात्रा क्या रही थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं। यात्रा तो ऐसा है कि जब आपके मन में और आपके विचारों में और सत्यता की ओर हम अगर हर एक मानव जात को
अगर रास्ते में जाए तो समय लगता है, धीरे धीरे लगता है, बहुत उस समय लगा। 48 बार पृथ्वी की परिक्रमा हुई है, तो देखिए कि इन भक्तों के हृदय में कितना भक्ति है, प्रेम है। तो आपने देखा ही है कि किस प्रकार का एयरपोर्ट में भी वो लोग जी, हमने देखा बच्चों का बहुत आपसे प्रेम है, वो गुलाब के फूल देते हैं, कोई खास इसके पीछे कोई सोच नहीं? ऐसे कि हमारे यहाँ के लोग जो है, ये हमारे 5 पीढ़ी से मेरे शिष्य हैं जी, और ये बच्चे हैं, इनको यही संस्कार मिलता है, ये कोई अंडा नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, और ये बच्चे छोटे छोटे ये भी भजन गाते हैं, तो संस्कारों से संस्कृति बनती है, और संस्कृति से भी आगे। महाराज जी, योग को लेकर भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से यूएन ने योग को विश्व योग दिवस भी घोषित कर दिया है, ऐसे में हम ये देखते हैं कि आपका जो आंदोलन है पूरी दुनिया में तो बहुत तेजी से प्रसार करा, भारत के लिए कुछ बड़ी योजनाएं आपकी योग को लेकर? हाँ, भारत में भी योजना ही है, वो आश्रम है, वो जैसा पूरा हो जाएगा उसके बाद भारत की तरफ थोड़ा और आएगा। नहीं, भारत में अच्छे से महापुरुष हैं, बड़े बड़े योगी हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे से वो और भी अच्छे हैं। दर्शन तो चल ही रहा है, साथ में ये भजन गतिविधि चल रही है साथ साथ। आप अगर देखिए तो यहाँ पे आप यहाँ पे सबको देख सकते हैं, ये यहाँ सारे लोग यहाँ पे सत्संग के अलावा योगा भी करते हैं। आज चूंकि स्वामी जी दिल्ली से सीधे वियना आए हैं, वो यहाँ पे अभी कुछ देर प्रवास करने वाले हैं।